हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब कोई व्यक्ति न्यू यूट्यूब चैनल बनाता है और सोचता है कि कितने मिनट का वीडियो अपलोड करना सही रहता है, तो इस वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आती रहेगी। एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर हम YouTube चैनल पर दो तरह से वीडियो बनाते हैं, कौन कौन सी, एक तो शॉर्ट और दूसरी बात लॉन्ग वीडियो, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो हम बनाते हैं YouTube पर। अब देखते हैं कि हम जो लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं कितने टाइम की हमें वीडियो बनाना सही रहेगा। तो आप जब बड़ी वीडियो बना रहे हो यानी कि लॉन्ग वीडियो बना रहे हो तो उसका कुछ टाइम रखिए, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट, 5 मिनट से ऊपर टाइम को मत ले जाइए, क्योंकि आप YouTube जर्नी में नए हैं और आपका जो वीडियो लोगों के पास जाएगा तो एक न्यू तौर से जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड क्रिएटर होता है, उसके जो सब्सक्राइबर भी मैटर करते हैं कि वीडियो देखने के लिए कि इन व्यक्ति के कितने सब्सक्राइबर हैं या फिर इस क्रिएटर के कितने सब्सक्राइबर हैं, तो सब्सक्राइबर बेस पर भी उस वीडियो को देखा जाता है। और आपके पहले पहले जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कम होते हैं तो सब्सक्राइबर देख कर भी उस वीडियो को नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये हो सकती है। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि वीडियो आपने लॉन्ग बना दी, यानी कि 12, 13 मिनट की, 15 मिनट की जब वीडियो बना दी और आपकी कोई वीडियो आपके पास किसी के पास वीडियो गई, वो क्लिक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहली बात तो लॉन्ग वीडियो है और दूसरी बात आप नए क्रिएटर हैं तो वो वीडियो नहीं देखी जाएगी। लॉन्ग वीडियो में हमने बात की तो आप कम से कम टाइम ड्यूरेशन का वीडियो बनाएं, क्योंकि YouTube जर्नी में आप नए हैं इसलिए वायरल होने के बाद आप लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। आपकी फैमिली बनने के बाद आप कितनी भी वीडियो लंबी बना सकते हैं, लोग देख सकते हैं, या फिर आप ट्यूटोरियल बनाकर वीडियो डाल सकते हैं छोटी छोटी, जैसे 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की, उसके बाद ऐसे वीडियो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं शॉर्ट जो चैनल बना सॉरी शॉर्ट वीडियो हम बनाते हैं तो शॉर्ट वीडियो कितने टाइम ऑफ ड्यूरेशन की होनी जरूरी है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट टाइम होना चाहिए 30 सेकंड या फिर 15 सेकंड का टाइम होना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियो की स्वाइप अप करते हुए व्यक्ति देखते हैं, क्यों देखते हैं, क्योंकि आपकी जो वीडियो बढ़िया नहीं लगेगी तो और क्वालिटी भी नहीं सही होगी तो वो वीडियो देखी नहीं जाएगी, और आपकी क्वालिटी होगी तो 30 सेकंड पूरा वीडियो देखा जाएगा और आपका जो इंप्रेशन है बढ़ता जाएगा और जो हम कह सकते हैं कि वीडियो वायरल होने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है, तो ठीक है ना। तो आप न्यू क्रिएटर के होने के नाते आप लॉन्ग वीडियो मत बनाइए, छोटी वीडियो बनाइए और जल्दी से जल्दी वायरल होने की भी संभावना रहती है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाने चाहिए या लॉन्ग वीडियो बनाने चाहिए। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर दोनों प्रकार से वीडियो बना सकते हैं और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है जो कि आपको बताते हैं कि शॉर्ट वीडियो के लिए भी चैनल अलग बनाओ, लॉन्ग वीडियो के लिए भी चैनल अलग बनाओ, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि आप ये काम तभी करना कि जब आप टेक कैटेगरी के यूट्यूबर हो तब। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे लेटेस्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। और अभी तक आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, उसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के।